चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, उस पर 22 वीडियोस आ चुकी हैं। जब हमने इनिशियली में स्टार्टिंग किया था, ये प्लेलिस्ट बनाई है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की, तो वहाँ पे 22 वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट के हो चुके हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑल ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन बन चुके हैं। पेडागोगी यानी अध्यापन विधा होता है, तो यहाँ से यानी कि वीडियो नंबर 23 से अध्यापन विधा के बारे में स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो उसके छोटे छोटे पॉइंट बताने पड़ेंगे। अध्यापन विधा में टीचर से रिलेटेड पॉइंट, पाठ्यक्रम से रिलेटेड पॉइंट क्या क्या होने चाहिए, और उसके आगे की वीडियोस में यानी कि शिक्षण विधा, पढ़ाने का तरीका, शिक्षक का दायित्व एंड शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता, ठीक है, शिक्षक के गुण, अशिक्षा का कारण, कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता, बच्चों के गुणों का विकास करना एंड शिक्षण प्रणाली या पढ़ा, ठीक है, एंड बच्चों के लिए खेलकूद की क्या आवश्यकता है, बच्चों के लिए पोशाक की क्या आवश्यकता है, ठीक है, एंड बच्चों को सुधारने के उपाय, बच्चों को स्कूल छोड़ने के कारण क्या है, बच्चों की शिक्षा आरंभ करने के तरीके, तो इन सभी पर क्वेश्चन रहेंगे एंड फिर लास्ट में उनके मिक्स क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, तो पहले इनिशियली एक पॉइंट पर क्वेश्चन देंगे और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन यानी कि टोटल का कंबाइंड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली यानी कि अध्यापन विधा होता क्या है, कि उसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, स्टार्टिंग में हमने बता ही दिया है क्या क्या किन किन चीज़ों से रिलेशन यहाँ पे रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसमें देते हैं पहली वीडियो से अध्यापन विधा की। भारत जो हमारा देश भारत है, भारत में अशिक्षा का मूल कारण हजारों वर्षों की गुलामी है, यानी कि इनिशियल पहले टाइम में हजारों वर्षों तक भारत गुलाम रह चुका है, तो अशिक्षा का मूल कारण हजारों वर्षों की गुलामी है। ठीक है, विदेशी शासकों ने यहाँ की भाषा, संस्कृति तथा जीवन दर्शन को नष्ट कर दिया है। अंग्रेजों ने भी यहाँ की भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया था। मैकाले की शिक्षा पद्धति में शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ा दी, जिससे वर्तमान शिक्षा के प्रति सामान्य जनता में स्नेह नहीं रहा। अशिक्षा के मुख्य कारण में गरीबी है। ठीक है, अशिक्षा के मुख्य कारण में गरीबी है, यानी कि अशिक्षा का एक मुख्य कारण गरीबी भी है। प्राथमिक विद्यालयों में उचित वातावरण का अभाव है तथा विद्यालय भवन की जर्जर स्थितियां हैं। शिक्षक का नियमित उपस्थित ना होना, बोझिल तथा जटिल पाठ्यक्रम होना, शिक्षा की गुणवत्ता की कमी होना तथा बाल केंद्रित शिक्षा का अभाव। तो नेक्स्ट है शिक्षा, शिक्षक राष्ट्र निर्माता तथा छात्रों के जीवन का भाग्य विधाता होता है। तो ऊपर जो अभाव दिए थे, यानी कि शिक्षा के किस तरह से यहाँ पे शिक्षा में कमी चल रही है, किस तरह से शिक्षा में कमियाँ हैं भारत देश में, अब आता है कि शिक्षक के बारे में कुछ पॉइंट दिया जाए। जैसे शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र निर्माण करने वाला तथा छात्रों के जीवन का भाग्य विधाता है। विद्यालय एक ऐसा समुदाय है जहाँ पे उसका रूप सुसंगठित परिवार से मिलता जुलता है। ठीक है, स्कूल रूपी परिवार का मुखिया प्रधान अध्यापक होता है, या स्कूल रूपी परिवार है उसका मुखिया प्रधान अध्यापक होता है। किसी राष्ट्र का निर्माण विधानसभाओं तथा कारखानों से नहीं होता, बल्कि विद्यालय से होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कोई पूछता है कि किसी राष्ट्र का निर्माण किससे होता है, विधानसभा से होता है कि कारखानों से होता है कि विद्यालय से होता है, तो माना जाएगा कि किसी राष्ट्र का निर्माण विधानसभाओं कारखानों से नहीं होता, बल्कि विद्यालय से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गुणवत्ता विकास के लिए आवश्यक है शिक्षकों में व्यावसायिक प्रवृत्तियों का विकास हो। शिक्षण कार्य एक पवित्र पेशा है, जिसे प्रेम, स्नेह भाव तथा सच्ची निष्ठा से करना आवश्यक होता है। ठीक है, गुणवत्ता शिक्षा तथा शिक्षण प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। व्यक्तियों का निर्माण करने वाले शिक्षक केवल एक व्यक्ति ना होकर अपने आप में एक संगठन होता है। ठीक है, शिक्षक की प्रतिष्ठा तभी कायम रह सकती है जब वह इन गत्यात्मक आवश्यकता के अनुकूल अपने आप में रख सके, यानी कि अपने आप को सभी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, यानी कि सभी ज्ञान के अकॉर्डिंग या अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सुसज्जित बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कार्य में व्यावसायिक कार्य न समझें। शिक्षण कार्य को व्यावसायिक कार्य ना समझें, क्योंकि सामाजिक सेवा एवं आध्यात्मिक कार्य समझना चाहिए। शिक्षण कार्य को व्यवसाय, अपना व्यावसायिक जो है नहीं समझना चाहिए। शिक्षण कार्य को व्यावसायिक कार्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक कार्य समझना चाहिए। ठीक है, शिक्षक और समुदाय के संपर्क में स्थापित करने के लिए
विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना होनी चाहिए। शिक्षण एक कला एवं तकनीक है जिसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए जा सकते हैं, यानी कि शिक्षण एक टेक्निक है या कला है, ठीक है। शिक्षण एक कला है, ठीक है, एवं एक तकनीक है जिसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए जा सकते हैं। बाल शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण विधि विशेष उपयोगी होती है, यानी बाल शिक्षण में बाल केंद्रित विधि ज़्यादा उपयोगी होती है या विशेष उपयोगी होती है। शिक्षा की आवश्यकता तथा लक्ष्य के उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि विषय वस्तु को संप्रेषित करने का तकनीका है या तकनीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, समवाय शिक्षण विधि के जन्मदाता महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी हैं। प्राथमिक वर्ग तक के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट विधि एक उपयोगी विधि है। आधुनिक काल में व्याख्यान शिक्षण विधि में को अस्वीकार कर दिया गया है। एक सफल प्रधानाध्यापक उच्चतम विद्यालय प्रबंध की कुंजी होता है, ठीक है। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे प्रशिक्षण के द्वारा बालकों की प्रवृत्ति को समझने तथा शिक्षण प्रदान करने की तरीकों का विधिवत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो अध्यापक देश की संस्कृति का प्रतिनिधि होता है। शिक्षक की में दृष्टिकोण की उदारता, आत्मानुशासन, दृढ़ संकल्प, विद्वता, मित्रता और शिक्षण कला की दक्षता होनी चाहिए। गुणात्मक शिक्षा एवं शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। विद्यालय में शैक्षिक वातावरण होना चाहिए, बच्चे स्वच्छ प्रकृति के होते हैं, है ना। जिस विद्यालय में स्वच्छ वातावरण होता है, बच्चे भी स्वच्छ प्रकृति के होते हैं। बच्चे शरारती नहीं बल्कि स्वाभिमानी एवं हठकर्मी होते हैं। बच्चों के लिए विद्यालय में कठोर दंड विधान न हो। बच्चों के साथ प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। बच्चों के माता पिता से सदैव संपर्क बनाए रखना चाहिए। बच्चों के मनोविनोद के लिए विद्यालय में खेलकूद के साधन होने चाहिए। बच्चों को हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखा जाए। विद्यालय के विशेष कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, लेख लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। शिक्षण एक कला तथा तकनीक दोनों है, कि उसकी जानकारी के लिए शिक्षक को प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता एवं अरुचि की जानकारी मिलनी चाहिए, जानकारी पता होनी चाहिए। पठन पाठन का सही उपयोग होना चाहिए। मूल्यांकन की नई विधियों की जानकारी होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एवं छात्र दोनों की सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक प्रधान होते हैं तथा छात्र गुण होते हैं। मूल्यांकन की नई विधियों की जानकारी होना अति आवश्यक है। सभी विषयों की शिक्षण विधियों की जानकारी ज्ञात होनी चाहिए, यानी अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शिक्षक प्रणाली होती हैं, अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं, उनकी जानकारी टीचर्स को यानी अध्यापक को होनी चाहिए। बच्चों को भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन तथा शिक्षण अलग अलग तरीके से दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छीजन और स्थगन की गंभीर समस्या रहती है। शिक्षण का स्वरूप आनंदमय, सुखद एवं सरल तथा प्रभावपूर्ण होना चाहिए। बालकों को शिक्षा प्रारंभ करने से पहले उनकी अभिरुचि, बौद्धिक क्षमता, उम्र, प्रवृत्ति आदि की जांच करना आवश्यक होता है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में उनके घर पर मिलने वाली शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो शिक्षण की पूर्ण भूमिका का रोल अदा करती है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता रहती है। बच्चे को हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखे रहना चाहिए। विद्यालय के भवन आकर्षण होना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण विधि मनोरंजक होनी चाहिए, ठीक है। यानी शिक्षण को रोचक शिक्षण प्रणाली के अभाव के कारण ही बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, ठीक है। सरकारी स्कूल होने से स्कूल का संपर्क समुदाय से कम होता जा रहा है। इसका भी प्रभाव बच्चों से स्कूल छोड़ने से पड़ रहा है। स्कूल ड्रेस स्कूल की पहचान का प्रतीक होती है। स्कूल ड्रेस एक प्रकार से स्कूल के प्रचार एवं विकास का भी कार्य करती है। स्कूल ड्रेस से बच्चों में समान मूलन सर्वोदयी भावना जागृत होती है।
इस समान रंग की ड्रेस से बच्चों में हीन भावना दूर हो जाती है। स्कूल ड्रेस से बच्चों की आपसी प्रेम भावना बढ़ती है। स्कूल ड्रेस में बच्चों में स्वच्छता की भावना जागृत होती है। स्कूल ड्रेस से बच्चों में सामूहिक भावना एवं राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होती है। खेल मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास का साधन है, ठीक है। एंड फ्रोबेल ने सर्वप्रथम खेल को बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था। रूशो तथा मॉन्टेसरी ने बच्चों के पाठ्यक्रम में खेलकूद को समाहित करने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल को एक विषय के रूप में रखने का सुझाव दिया गया था। विद्यालय में नैतिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण स्वच्छ, शांत तथा मनोरंजक होना चाहिए। बच्चों के गुणों में स्वाभाविक विकास के लिए उसके माता पिता तथा स्कूल के शिक्षकों को पर्याप्त प्रयत्न करने चाहिए।